हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आपका ही चैनल फैंटेसी विनर पर। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं गुजरात टाइटंस वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच में जो मैच खेला जाएगा उसके बारे में। तो स्टार्ट करने से ही पहले मैं बता देना चाहूँगा, हम लोग जो भी प्रिडिक्शन करते हैं वो सारे के सारे प्रिडिक्शन हम लोगों का सही होता है। कैसे सही होता है? हम लोगों ने लास्ट मैच पर क्या बताया था, सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का जो मैच हुआ है वहाँ पर हम लोगों ने क्या बताया था? वहाँ पर हमने बताया था कि डेविड वॉर्नर 100% चलेगा, ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टनसी चूज करना चला है, रबमैन पॉल चलने वाला है, रबमैन पॉल चला है। मतलब मैं जिसका भी प्रेडिक्शन करता हूँ वो 97-80% टाइम तो वो सही ही होता है। तो चलो गाइज, आपको भी अगर प्रेडिक्शन जानना है तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले स्टार्ट कर लेंगे मुंबई इंडियंस का प्लेइंग 11, कौन सा प्लेयर सही होने वाला है, कौन सा प्लेयर गलत होने वाला है, कौन सा प्लेयर चलने वाला है, कौन सा प्लेयर फ्लॉप होने वाला है, वो सारे चीज़ों के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। आपको पहले देखने को मिल जाएगा रोहित शर्मा 39-2, खास फॉर्म पर नहीं है तो ग्रैंड लीग के लिए पिक करो, कैप्टन वाइस कैप्टन से मत प्रेफर करो। ईशान किशन 8-26, सूर्य कुमार यादव 7-51। दुनिया भर का लोग, दुनिया दुनिया मतलब समझ रहे हो, दुनिया भर का लोग सूर्य कुमार यादव को प्रेफर करके चल रहा है, साथ में कैप्टन वाइस कैप्टन से भी लगा रहा है। लेकिन मेरा प्रेडिक्शन के अनुसार सूर्य कुमार यादव कल का मैच में फ्लॉप जाने वाला है। तिलक वर्मा की अगर बात करेंगे तो 38-35, तिलक वर्मा एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, ग्रैंड लीग के लिए पिक करना है, हर मैच पर ड्रीम टीम का प्लेयर बन ही जाता है अगर बैटिंग का मौका मिलता है तो। टीम डेविड 1-20, तगड़ा प्लेयर है, चलता है तो चल जाता है, अदरवाइज फ्लॉप जाता है। केरन पोलार्ड 19-10, 8 छक्के, 0 विकेट 2 विकेट। डैनियल सैम्स 3 के साथ 1 विकेट, 6 के साथ 1 विकेट। डैनियल सैम्स थोड़ा बहुत एक इंपॉर्टेंट से रहेगा नेक्स्ट मैच के लिए। जसप्रीत बुमराह की अगर बात करेंगे तो 1 विकेट 0 विकेट। के कार्तिक केया की अगर बात करेंगे तो 2 विकेट 1 विकेट। एंड मेरिडीथ की अगर बात करेंगे तो 2 विकेट 2 विकेट। यहाँ से मेरिडीथ एक बहुत ही अच्छा खासा इंपॉर्टेंट जाने वाला है, जिस ध्यान में रखना, मेरिडीथ एक बहुत ही अच्छा खासा इंपॉर्टेंट जाने वाला है। जसप्रीत बुमराह की अगर बात करेंगे तो कुछ टाइम से फॉर्म पर नहीं है तो जसप्रीत बुमराह को हम लोग उतना खास तरीके से प्रेफर नहीं करेंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं, है तो भाई इंडियन टीम का प्लेयर ही। आगे हम लोग बात कर लेंगे गुजरात टाइटंस की तरफ से। तो गुजरात टाइटंस की तरफ से आपको पहले ही देखने को मिल जाएगा कौन, शुभमन गिल 31-9, इंपॉर्टेंट होने वाला है नेक्स्ट मैच पर, तगड़ा चलेगा, कैप्टन वाइस कैप्टन से प्रेफर करना है। रिद्धिमान सहाय की अगर बात करेंगे तो 29-21, रिद्धिमान सहाय के इंपॉर्टेंट प्लेयर बनेगा। एस सुदर्शन की अगर बात करें तो 20-65, नेक्स्ट मैच पर, लास्ट मैच पर 65 रन किया था, इसका मतलब ये नहीं कि ये हर मैच पर 65 करे, लेकिन ये जो सुदर्शन प्लेयर है ये ज़्यादा रन नहीं मार पाता है, मतलब स्ट्राइक रेट के अनुसार, या तो फिर ये 40 गेंद पर 50 बनाएगा या तो फिर 60 गेंद पर 80 बनाएगा, ऐसा कुछ बनाता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो सुदर्शन हम लोगों के लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, लेकिन ऐसे स्ट्राइक रेट के अनुसार उतना खास इंपॉर्टेंस ही नहीं बनने वाला है। हार्दिक पांड्या की अगर बात करेंगे तो 3 रन 1 रन। हार्दिक पांड्या का एक गुस्सा है मुंबई इंडियंस के ऊपर जो कि कल उतर सकता है हार्दिक पांड्या के ऊपर। हार्दिक पांड्या कल के मैच पर बॉलिंग भी करा सकता है, ठीक है, चीज़ ध्यान में रखना। हार्दिक पांड्या हम लोगों के लिए ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट जाने वाला है। डेविड मिलर की अगर बात करें तो 39-34, राहुल टियाटिया 43-11, राशिद खान 1 विकेट 0 विकेट, पी स्वेगनन 2 विकेट 0 विकेट। पी स्वेगनन एक बहुत ही अच्छा खासा इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला है, इसको जरूर से जरूर ग्रैंड लीग पर पिक करके चलो, क्योंकि भाई ये जबरदस्त प्लेयर है, ये भाई भले ही इंडियन टीम में नहीं खेला है लेकिन प्लेयर जो है ना जबरदस्त है। अल्जरी जोसेफ 1 विकेट 0 विकेट, लॉगे फर्गसन 1 विकेट 1 विकेट, मोहम्मद समी 1 विकेट 1 विकेट। कल का मैच में लॉगे फर्गसन भी एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकता है, ये चीज़ ध्यान में रखना। आगे हम लोग बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह है मेरे ख्याल से, वो है यू वाला, जो हर रोज़ हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं और इसी की वजह से हम लोग बहुत सारा टाइम विन कर जाते हैं आसानी से। तो चलो हम लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो जगह है वहाँ पर से बात कर लेते हैं। वेन्यू जो होने वाला है ब्राबुर्नी स्टेडियम पर ये मैच खेला जाने वाला है। एवरेज स्कोर की अगर बात करेंगे तो 172 से लेकर 182 तक यहाँ पर एवरेज स्कोर आपको दिख सकता है। गुजरात टाइटंस की अगर एवरेज स्कोर की अगर बात करेंगे तो एवरेज स्कोर 171, हाईस्ट स्कोर है 199 और लोएस्ट स्कोर है 143। ये जो लोएस्ट स्कोर है, लोएस्ट स्कोर उतना मायने नहीं देता है, सबसे ज़्यादा जो मायने देता है वो ये हाईएस्ट स्कोर, हाईएस्ट स्कोर एंड एवरेज स्कोर, ये दो चीज़ बहुत ही मायने देता है। मुंबई इंडियंस की अगर बात करेंगे तो 170 एंड 235, तो कहीं ना कहीं एवरेज स्कोर के ऊपर अगर ध्यान दें तो 171 एंड 170 दोनों का आंकड़ा इक्वलिटी पर ही आपको देखने को मिल सकता है।
इस ये जो पिच है बरबुरनी स्टेडियम का जो पिच है, यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट ने विन किया 52% और बोलिंग फर्स्ट ने विन किया 48%। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दोनों का जो इक्वलिटी है वो इक्वलिटी पे ही देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि बैटिंग फर्स्ट को ज़्यादा प्रेफर मिल रहा है और ऐसा भी नहीं कि बोलिंग फर्स्ट को ज़्यादा प्रेफर मिल रहा है, दोनों को ही कहीं ना कहीं इक्वलिटी पर ये प्रेफर देखने को मिल सकता है। तो चलो अभी हम लोग टीम के ऊपर बढ़ेंगे और टीम कैसा बनेगा, विकेट कीपर सेक्शन, बैटिंग सेक्शन, ऑलराउंडर सेक्शन एंड अपना जो है बॉलिंग सेक्शन। तो हम यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये जो भाई विकेट कीपर सेक्शन है, विकेट कीपर सेक्शन में से आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ से ईशान किशन और यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा रिद्धिमान साहा। मैं सबको प्रेफर करूँगा कि ईशान किशन ये विकेट कीपर सेक्शन जो है ये टोटली मैं आपके ऊपर छोड़ना चाहूँगा कि इधर से ईशान किशन भी ठीक ठाक है, इधर से रिद्धिमान साहा भी ठीक ठाक है। ईशान किशन फॉर्म पर नहीं है और रिद्धिमान साहा फॉर्म पर है, बस फर्क इतना है। दोनों ही सेम क्वालिटी का बैट्समैन है, ये है लेफ्ट हैंड और रिद्धिमान साहा है राइट हैंड, बस इतना ही फर्क है भाई। तो मैं विकेट कीपर सेक्शन जो है मैं ये आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, फिर भी मैं एक दो टीम का रेडी करके दे रहा हूँ। पहला जो टीम रहेगा वो रहेगा ईशान किशन, दूसरा टीम जो होगा हम लोगों का उस पर रहेगा हम लोगों का रिद्धिमान साहा, और जो बाकी का दो टीम रहेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, रिद्धिमान साहा अदरवाइज ईशान किशन, और तीसरा मतलब चौथा टीम भी रिद्धिमान साहा वर्सेस ईशान किशन, ये आपका चॉइस है। आप दो को भी रख सकते हो, एक को भी रख सकते हो। तो अभी मैं बताना चाहूँगा कि आपने अभी तक प्राइम कैप्टन को डाउनलोड नहीं किया है, प्राइम कैप्टन एंड रॉयल इलेवन को डाउनलोड नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है उसका, तो फटाफट जाकर डाउनलोड कर लो। रॉयल इलेवन एंड प्राइम कैप्टन को डाउनलोड करने का फ़ायदा क्या है मैं बता देता हूँ। उसका फ़ायदा आपको ये है, अगर आपका जितना भी फैंटेसी में लॉस है वो पूरा का पूरा लॉस कवर हो जाएगा अगर आप रॉयल इलेवन एंड प्राइम कैप्टन एप्लीकेशन पर खेलते हो, क्योंकि ना यहाँ पर क्रेडिट इशू है, ना यहाँ पर भाई एंट्री फीस ज़्यादा है, ना ही यहाँ पर कोई कंपटीशन है। तो अगर कोई कंपटीशन नहीं होगा तो आसानी से आप जीत सकते हो। तो फटाफट जाकर डाउनलोड कर लो रॉयल इलेवन एंड प्राइम कैप्टन एप्लीकेशन को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो चलो अभी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे बैटिंग सेक्शन से। तो बैटिंग सेक्शन पर कौन कौन है हम लोगों का पहले वो देख लेंगे। बैटिंग सेक्शन से अपना देखने को मिल जाए रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, टिम डेविड, कैरन पोलार्ड। तो कितना हो गया, एक दो तीन चार पाँच, पांच प्लेयर मिलेगा हमको कहाँ से, मुंबई इंडियंस की तरफ से। आप देखेंगे गुजरात टाइटंस की तरफ से हम लोगों को कितना ग्राइंड बैटिंग मिल रहा है, सुमन गिल एक, सुदर्शन एक, डेविड मिलर एक, बस यहाँ से तीन मिल रहा है बैटिंग। तो कितना हो गया, पांच और तीन आठ बैट्समैन है, आठ में से हमको चार चूज करना है। अब चार हम लोग किस किस को चूज करने वाले, तो चार हम लोगों का पहला जो रहेगा शुभमन गिल और दूसरा रहेगा हम लोगों का यहाँ से डेविड मिलर। तो पहले चलो हम लोग फिल कर लेते, ये हो गया अपना शुभमन गिल और ये हो गया अपना डेविड मिलर, ठीक है। अब बचा ये दो सेक्शन, ये दो पर हम लोग किसको ट्राई करने वाले हैं, पहले ही मैं बता दूं, रोहित शर्मा को अगर लेंगे तो रोहित शर्मा फॉर्म पर नहीं है इसलिए रोहित शर्मा को छोड़ेंगे। सूर्य कुमार यादव मेरा प्रेडिक्शन के अनुसार फ्लॉप जाएगा तो इसलिए भी इसको छोड़ेंगे। तीसरा बचता है तिलक वर्मा, टिम डेविड एंड केरन पोलार्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टीम पर तिलक वर्मा एंड टिम डेविड को रखेंगे। तो ये हो गया अपना तिलक वर्मा और ये हो गया अपना टिम डेविड। इधर में देखो हमने ईशान किशन को लेकर रखा है टीम डेविड एंड तिलक वर्मा, तो ओपन में एक मिल गया, टू डाउन में एक मिल गया और थ्री डाउन पर एक हम लोगों को मिल गया। अब बचा ऑलराउंडर सेक्शन, ये रहा अपना ऑलराउंडर सेक्शन। तो ऑलराउंडर हमने कितना चूज किया, दो। अब ऑलराउंडर है कितना टोटल है वो हम लोगों को वो देखना पड़ेगा। तो हम लोगों को ऑलराउंडर जो देखने को मिल जाए डैनियल सैम्स, एच सॉकेन, ठीक है, और इधर से हमको देखने को मिल जाए राहुल टियोटिया और हार्दिक पांड्या। तो कितना है, चार हम लोगों को क्या मिल रहा है, ऑलराउंडर मिल रहा है, लेकिन हम लोग को चूज़ कितना करने वाले, दो। हम लोग दो ऑलराउंडर चूज़ करने वाले हैं और चार ऑलराउंडर टोटल टीम में है। तो इस बार हम लोग यहाँ से पिक करेंगे, किसको पिक करने वाले मैं बता देता हूँ। हम लोगों का जो फर्स्ट पिक रहेगा वो रहेगा हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या। दूसरा जो हम लोग का ये ऑलराउंडर रहेगा, ये रहेगा हम लोगों का डैनियल सैम्स, डैनियल सैम्स। अब दोनों को पिक करने का रीज़न मैं बता देता हूँ। डैनियल सैम्स जो है चार ओवर बॉलिंग डलवाएगा
और हार्दिक पांड्या का गुस्सा ऑलरेडी मुंबई इंडियंस पर है, तो वो कल उतरने वाला है। तो हार्दिक पांड्या एक हो गया, डेनियल सैम्स और एक हो गया, तो दो अपना जो है ऑलराउंडर हो गया। अब बचा अपना बॉलिंग सेक्शन। बॉलिंग सेक्शन पर कौन कौन है? जसप्रीत बुमराह, कार्तिकीया और मेरिडीथ। यहाँ से मुझे मोहम्मद शमी, लॉगी फर्गसन, जोसेफ एंड स्वेगनन एंड राशिद खान। यहाँ से पाँच और यहाँ से तीन, आठ है। और हम लोगों का सेक्शन कितना है? चार है। तो हम लोग इस बार पिक करेंगे किसको किसको बॉलर पिक करने वाला है। जसप्रीत बुमराह फॉर्म पर नहीं है, तो दुनिया भर के लोग जसप्रीत बुमराह को छोड़कर चला है, लेकिन इस बार हम लोग जसप्रीत बुमराह को ले लेंगे। और ये जो तीन बॉलिंग सेक्शन है, यहाँ पर हम लोग मेरिडीथ को फर्स्ट चॉइस के हिसाब से रखेंगे। ये हो गया मेरिडीथ। अब बचा ये दो सेक्शन। ये जो दो सेक्शन बचा है, इधर में हम लोग पिक करने वाला है लॉगी फर्गसन एंड पी स्वैगनन, क्योंकि यही दो कल के मैच का टर्नर पॉइंट हो सकता है। ये दो प्लेयर, लॉगी फर्गसन एंड पी स्वैगनन, दोनों प्लेयर जो है, ये दो प्लेयर कल के मैच के लिए टर्निंग पॉइंट बन सकता है, तो इसलिए हम लोग ये दो को ट्राई करेंगे। तो चलो ट्राई कर लेते हैं। ये हो गया लॉगी फर्गसन, लॉगी फर्गसन और दूसरा कौन है अपना? पी स्वैगनन, पी स्वैगनन। ये हो गया अपना पहला टीम कॉम्बिनेशन रेडी। आप बोलोगे कि कैप्टन वाइस कैप्टनसी का चॉइस आप बता दो। भाई कैप्टन वाइस कैप्टनसी का चॉइस अगर यहीं पर बता दूं तो क्या होगा, मैं बता देता हूं। आप इसी टीम के साथ चले जाओगे, अगर मान के चलो कि ये जो 11 प्लेयर है, ये 11 प्लेयर खेल रहा है, लेकिन भाई यहाँ से मान के चलो शौकन को नहीं खिला रहा है, यहाँ से मान के चलो सूर्य कुमार को नहीं खिला रहा है, यहाँ से मान के चलो एस सुदर्शन को नहीं खिला रहा है, इधर से मान के चलो रिद्धिमान शाह को नहीं खिला रहा है, यहाँ से मान के चलो राशिद खान को नहीं खिला रहा है, किसी और को खिला रहा है, तब क्या होगा? हम लोगों का टीम का कुछ भी चेंजेस हो सकता है। इसलिए मैं फाइनल कैप्टन वाइस कैप्टनसी नहीं देता हूँ, रीजन सिर्फ यही है क्योंकि टॉस के बाद जो फाइनल टीम का प्रेडिक्शन है वो आपको मिल जाएगा, और वो फाइनल प्रेडिक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा डिस्क्रिप्शन पर जाकर पहला लिंक से जुड़ जाना पड़ेगा आपका अपना ही चैनल फैंटेसी विनर पर, जहां पर ऑलरेडी 10,800 लोग हैं। या तो फिर अगर डिस्क्रिप्शन का लिंक काम नहीं करता है तो आप सीधा जाओ फर्स्ट कमेंट पर, फर्स्ट कमेंट पर आपको मिल जाएगा लिंक, टेलीग्राम का लिंक, उधर से जाके ज्वाइन कर सकते हो। या तो फिर अगर वो भी नहीं ओपन होता है तो मेरा डिस्क्रिप्शन पर है इंस्टाग्राम का लिंक, जहां से आप मुझे फॉलो करके आप मुझे उधर पे मैसेज कर सकते हो क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अगर प्रेडिक्शन में समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो भी आप पूछ सकते हो, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो चलो अभी हम लोग दूसरा टीम की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा टीम हम लोग क्या करेंगे, इधर से रिद्धिमान शाह को रखे, तो इस बार हम लोग रखने वाले हैं यहाँ से रोहित शर्मा, इस बार रोहित शर्मा रखेंगे, रोहित शर्मा। दूसरा रखेंगे हम लोग सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव। तीसरा हम लोग रखेंगे यहाँ से शुभमन गिल, शुभमन गिल। और चौथा रखेंगे अपना तिलक वर्मा, ये रहा अपना तिलक वर्मा। ठीक है, अब बचा ये दो ऑलराउंडर सेक्शन। दो ऑलराउंडर सेक्शन पर इस बार हम लोग क्या करने वाले, ऑलरेडी यहाँ से हम लोग रिद्धिमान शाह रखे, इधर से हम लोग शुभमन गिल को रख लिया। अब बचा दो ऑलराउंडर सेक्शन, दो ऑलराउंडर सेक्शन में भी हम लोग इधर से ही लेंगे, वो लेंगे हार्दिक पांड्या एंड हम लोग ले लेंगे राहुल टियाटिया। ये रहा हार्दिक पांड्या और ये रहा अपना राहुल टियाटिया। अब बचा ये बॉलिंग सेक्शन, बॉलिंग में इस बार हम लोग क्या करने वाले, बॉलिंग पर इस बार हम लोग लेंगे कार्तिकीया और उसके साथ आर मेरिडीथ, जो मैंने पहले बोल दिया है कि आर मेरिडीथ को हम लोग फर्स्ट चॉइस के हिसाब से उठा रहे हैं, तो उसी वजह से हम लोग आर मेरिडीथ को रखेंगे और दूसरा रखेंगे कार्तिकीया के, कार्तिकीया। अब बचा ये दो सेक्शन, अब ये दो सेक्शन में हम लोग क्या करने वाले, यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, लॉगी फर्गसन के साथ हम लोगों ने पी स्वैगनन को रखा है, इस बार हम लोग रखेंगे लॉगी फर्गसन के साथ अल्जेरी जोसेफ। तो चलो फिल कर लेते हैं, लॉगी फर्गसन, इस बार हम लोग रखेंगे अल्जारी जोसेफ। दूसरा टीम भी क्लियर। अब तीसरा टीम की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा टीम की तरफ बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप अगर चैनल पर नया विजिट कर रहे हो और आपने अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फटाफट चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। इससे क्या होता है, हम लोगों को मोटिवेट मिलता है और उसके साथ साथ जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा फर्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास जाएगा। तो कम से कम वो फर्स्ट नोटिफिकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल पर जाकर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा। तो चलो अभी हम लोग तीसरा टीम की तरफ बढ़ते हैं।
तीसरा टीम हम लोग क्या करने वाले हैं, तीसरा टीम हम लोग कुछ इस प्रकार करेंगे। इस बार हम लोग रोहित शर्मा को छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। इस बार हम लोग रखेंगे सूर्य कुमार यादव एंड कैरन पोलार्ड। हम लोगों ने क्या किया, सूर्य कुमार यादव पे एक में छोड़ा है, एक में क्या किया तिलक वर्मा को लिया है एंड टीम डेविड को लिया है। ये रहा तिलक वर्मा टीम डेविड। इस बार बीच में हम लोगों ने क्या किया, रोहित शर्मा एंड ये रहा रोहित शर्मा सूर्य कुमार यादव एंड हम लोगों ने तिलक वर्मा, रोहित शर्मा सूर्य कुमार यादव तिलक वर्मा रखा था। इस बार हम लोग क्या करेंगे, सूर्य कुमार यादव एंड कैरन पोलार्ड को रखेंगे। सूर्य कुमार यादव कैरन पोलार्ड दोनों खत्म। अब बचा ये दो सेक्शन, यानी कि दो बैटिंग सेक्शन जो कि हम लोग गुजरात टाइटंस की तरफ से फिल करेंगे। इस बार हम लोग फिल करेंगे, शुभमन गिल को छोड़ेंगे और सुदर्शन एंड डेविड मिलर को पिक करेंगे। यस, सुदर्शन एंड डेविड मिलर। अब बचा दो ऑलराउंडर सेक्शन, दो ऑलराउंडर सेक्शन पर हम लोग क्या करने वाले, पहला में ले लेंगे हम लोग हार्दिक पांड्या और दूसरा पर हम लोग ले लेंगे यहाँ से एच शॉकेन। हम लोगों ने डैनियल सैम्स को एक बार हार्दिक पांड्या के साथ लेकर चला है, एक बार हार्दिक पांड्या राहुल टिया हो चुका है। इस बार हम लोग हार्दिक पांड्या के साथ एच शॉकेन को लेकर चलेंगे। फिल कर लेते हैं हार्दिक पांड्या एच शॉकेन। अब बचा ये बैटिंग सेक्शन, बैटिंग सेक्शन पर हम लोग क्या करने वाले हैं, बैटिंग सेक्शन बहुत ही इजी होने वाला है और बहुत ही सिंपल, सॉरी बॉलिंग सेक्शन इस बार फिल करने वाला है। बॉलिंग सेक्शन हम लोगों का इस बार बहुत ही इजी होने वाला है। कैसे होने वाला है वो मैं बता देता हूँ। इस बार हम लोग सिर्फ और सिर्फ आर मेरेडिथ और आर मेरेडिथ के साथ कार्तिकीय हो चुका है, आर मेरेडिथ के साथ जसप्रीत बुमराह हो चुका है। इस बार हम लोग सिर्फ और सिर्फ आर मेरेडिथ को रखेंगे, आर मेरेडिथ। और ये जो बाकी के जो तीन स्पॉट है, बाकी के तीन जो बॉलर है वो हम लोग गुजरात टाइटंस की तरफ से रखेंगे। किसको किसको रखेंगे, मोहम्मद शमी एक, लॉगी फर्गसन को हर मैच में रखा है तो इसलिए लॉगी फर्गसन को इस बार ड्रॉप करेंगे। तो मोहम्मद शमी एक, अलजर पी स्वग्नन एक और यहाँ से राशिद खान एक, ये तीन को हम लोग लेकर चलने वाले हैं। तो चलो फिल कर लेते हैं हम लोगों का कौन पहले होने वाला है, मोहम्मद शमी, दूसरा कौन होने वाला है राशिद खान, तीसरा कौन होने वाला है पी स्वग्नन। हम लोगों ने क्या किया, लॉगी फर्गसन को दो टीमों में ऑलरेडी लेकर चला है तो इस टीम में हम लोग लॉगी फर्गसन को छोड़ा है। आर मेरेडिथ को हम लोगों ने सब पर लेकर चला है, लेकिन ये जो तीसरा वाला जो टीम बनाएंगे, मतलब चौथा वाला जो टीम बनाएंगे वहां पर हम लोग यह जो आर मेरेडिथ है, आर मेरेडिथ को छोड़कर चलेंगे और जसप्रीत बुमराह एंड कार्तिकीया को रखेंगे। तो फिल कर लेते हैं जसप्रीत बुमराह एंड के कार्तिकीया। हम लोग इस बार बॉलिंग सेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं और बॉलिंग सेक्शन से जाकर बैटिंग सेक्शन में खत्म करने वाले हैं कार्तिकीया। अब बचा ये दो सेक्शन, ये दो सेक्शन पर हम लोग क्या करने वाले, ये दो सेक्शन पर हम लोग करेंगे, हम लोगों ने क्या किया लॉगी फर्गसन के साथ पी स्वग्नन हो गया और लॉगी फर्गसन के साथ राशिद खान भी हो गया, मोहम्मद शमी अलजारी जोसेफ पी मोहम्मद शमी पी स्वग्नन एंड राशिद खान कंप्लीट हो चुका है। इस पर अगर कोई बचा है तो वो सिर्फ और सिर्फ बचा है हम लोगों का पी स्वग्नन एंड अलजारी जोसेफ, जो कि हम लोगों ने एक में भी नहीं लिया है। तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे पी स्वग्नन और उसके साथ रखेंगे अलजारी जोसेफ। तो हम लोगों का जो भी पूरा कम्बिनेशन होना चाहिए बॉलिंग सेक्शन से, ये जो हम लोगों का पांच बॉलर है, यहाँ से पांच बॉलर, चलो ये इस पेन से फिल कर देता ताकि आपको समझ में आए। ये जो हम लोगों का तीन बॉलर है और ये जो यहाँ से अपना पांच बॉलर है, तो पांच और तीन कितना हो गया, आठ बॉलर हो गया। आठ बॉलर को हर किसी के साथ कम्बिनेशन आपको यही इस चार टीम में देखने को मिल जाएगा, हर किसी के साथ किसी का कम्बिनेशन। आप बोलोगे जसप्रीत बुमराह के साथ कार्तिकीया कंप्लीट है, मेरेडिथ के साथ कार्तिकीया कंप्लीट है, कार्तिकीया के साथ जसप्रीत बुमराह कंप्लीट है। आप बोलोगे मोहम्मद शमी के साथ लॉगी फर्गसन कंप्लीट है, आप बोलोगे लॉगी फर्गसन के साथ अलजारी जोसेफ कंप्लीट है, आप बोलोगे लॉगी फर्गसन के साथ राशिद खान कंप्लीट है, लॉगी फर्गसन के साथ पी स्वग्नन कंप्लीट है, पी स्वग्नन के साथ मोहम्मद शमी, पूरा का पूरा चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है ऐसे बॉलिंग सेक्शन से। अब बचा ऑलराउंडर सेक्शन, ऑलराउंडर सेक्शन से इस बार हम लोग क्या करने वाले, बहुत ही आसानी से होने वाला है। हम लोग इस बार हार्दिक पांड्या को छोड़ने वाला है क्योंकि हम लोगों ने हार्दिक पांड्या को हर टीम में लेकर चले, तीन जो टीम रेडी किया है अभी तक, तीनों के तीनों टीम में हम लोगों ने हार्दिक पांड्या को लेकर चले। इस बार हम लोग हार्दिक पांड्या को ड्रॉप करके दूसरा किसी को लेकर चलेंगे और वो जो दूसरा कोई होने वाला है वो होने वाला है हम लोगों का यहां से होने वाला राहुल टियाटिया और उसके साथ हम लोगों का होने वाला है डैनियल सैम्स। डैनियल सैम्स जो है वो चार के चार ओवर बॉलिंग डलवाएगा, उसके साथ साथ बंदा जो है बैटिंग भी अच्छा खासा कर लेता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, राहुल टियाटिया उसके साथ रखेंगे कौन, डैनियल सैम्स, डैनियल सैम्स। तो हार्दिक पांड्या को तीन पर लेकर चले थे, इस बार हम लोगों ने छोड़ दिया, या एच शॉकेन को हम लोगों ने ले लिया, राहुल टियाटिया ले लिया, डैनियल सैम्स ले लिया, हार्दिक पांड्या भी ले लिया, मतलब चार के चार ऑलराउंडर दो टीमों में कंप्लीट हो गया कम्बिनेशन। अब बचा ये अपना बैटिंग सेक्शन, बैटिंग सेक्शन में इस बार हम लोग क्या करने वाले, बैटिंग सेक्शन भी हम लोगों का हर बार की तरह बॉलिंग सेक्शन ऑलराउंडर सेक्शन की तरह ही सिंपली होने वाले। हम लोग इस बार क्या करेंगे, शुभमन गिल रखेंगे और सुदर्शन रखेंगे
और ये जो है डेविड मिलर, ये तीन को रखेंगे, शुभमन गिल, सुदर्शन एंड डेविड मिलर। फिल कर लेते हैं, शुभमन गिल, ये सुदर्शन एंड ये रहा डेविड मिलर। अब बचा है एक स्पॉट, ये जगह सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम लोगों के पास चॉइस है सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, टीम डेविड, और हमने मुंबई इंडियंस का किसको लिया है, सिर्फ एच शॉकेन को। तो इस बार हम लोग यहाँ से ईशान किशन को रखेंगे विकेट कीपर में, ये कंपलसरी, ये रखना ही पड़ेगा, ईशान किशन रखेंगे। और जो और एक प्लेयर जो हम लोग रखने वाले हैं वो भाई, ये तीनों में से मैं कंफ्यूजन में हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं किसको रखूँ। मेरा ख्याल से भाई टीम डेविड को रखना सही होगा, तो मैं आप लोगों को चॉइस दे देता हूँ इसका भी, कि आप किसको रखना चाहते हो, मतलब किसको रखना सही होगा, टीम डेविड और केरन पोलार्ड और तिलक वर्मा। तिलक वर्मा आप बोलेगा भाई आपने तो पूरा बैटिंग सेक्शन ही दे दिया। नहीं भाई, पूरा बैटिंग नहीं दिया, केरन पोलार्ड, तिलक वर्मा और टीम डेविड, ये तीन दिया, सूर्य कुमार यादव भी है, रोहित शर्मा भी, ये दो को मैं छोड़ा है, ये तीन का ऑप्शन दिया है। तो ये भाई थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हूँ किसको रखना सही होगा कि किसको रखना गलत होगा, तो ये थोड़ा सा आप डिसाइड कर लो और रख लो अपने हिसाब से ये जगह। और अगर फाइनल टीम की बात करें तो वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से पहला लिंक लेकर जाकर जुड़ सकते हो आपका अपना ही चैनल फैंटेसी विनर पर। अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन से भी जुड़ सकते हो, या तो फिर आप इंस्टाग्राम पर मुझे भाई मैसेज कर सकते हो अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो। अभी हम लोग बात करेंगे कैप्टन वाइस कैप्टनसी, कौन सा प्लेयर सबसे बेहतर होने वाला है आज के मैच के लिए। तो सबसे बेहतर जो होने वाला है, यहाँ से आर मेरेडी देख, ठीक है, डैनियल सैमसेक्स, रिस्की चॉइस डैनियल सैम्स। दूसरा रहेगा तिलक वर्मा, रिस्की चॉइस। ईशान किशन एक, चौथा सूर्य कुमार यादव को भी ले लो यार, मेरा ख्याल से तो फ्लॉप ही जाएगा, लेकिन फिर भी यार ट्राई कर लो, फिर भी ट्राई कर लो, मेरा ख्याल से सूर्य कुमार यादव फ्लॉप ही जाने वाला है, फिर भी रिस्की के हिसाब से रखेंगे। तो सेफ कितना हुआ, रिस्क कितना हुआ, तो पहले हम लोग यहाँ पर सेफ और ये रहा रिस्की का, दोनों का सिंबल। अब हम लोगों के लिए सेफ जो होने वाला है, तिलक वर्मा, ईशान किशन एंड मेरेडिथ, ये तीन हुआ सेफ, प्लस रिस्की में कौन कौन हुआ, रिस्की में हुआ सूर्य कुमार यादव एंड डैनियल सैम्स, तो कितना हो गया, दो, तीन और दो पाँच, टोटल पाँच दे दिया। और हम लोग अभी गुजरात टाइटन्स की तरफ से बात करेंगे कि कौन सा प्लेयर सेफ और रिस्की होने वाला है। तो सेफ की अगर बात करेंगे तो यहाँ से पूरा बात कर लेते हैं, लॉगी फर्गसन रिस्की चॉइस, मोहम्मद शमी एक, दो, पी स्वग्नन एक, तीन, राशिद खान एक, चार, पूरा बॉलिंग सेक्शन से ही निकल गया, हार्दिक पांड्या एक, पाँच, रिद्धिमान सहा एक, छः, शुभमन गिल एक, सात, टोटल सात। अब रिस्की कौन कौन होगा, रिस्की होगा अपना यहाँ से राशिद खान, पी स्वग्नन, लॉगी फर्गसन, ये तीन रिस्क है। और सेफ की अगर बात करेंगे तो मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या, रिद्धिमान शाह एंड शुभमन गिल, तो कितना होगा, चार हुआ अपना सेफ और तीन हुआ रिस्की, तो चार और तीन सात, प्लस तीन और दो पाँच, तो कितना हो गया, बारह। बारह कैप्टन वाइस कैप्टन से अगर आपको बनाने का जगह मिले तो कितना टीम रेडी करना पड़ेगा, छः टीम रेडी करना पड़ेगा, जिसमें से चार टीम का कम्बिनेशन ऑलरेडी मैं यहाँ पर दे चुका हूँ, और बाकी के टीम जो दो है, लेकिन दो से मैं ज़्यादा ही टीम प्रोवाइड करता हूँ, जो कि मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करता हूँ, तो वहाँ से जाकर भी आप टीम उठा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। अब रहा कैप्टन वाइस कैप्टेंसी, तो आपने बता दिया कि इसके साथ किसका कम्बिनेशन रेडी करना है, ये रहा अपना ईशान किशन के साथ लगाओ रिद्धिमान शाह, हार्दिक पांड्या के साथ लगाओ अपना तिलक वर्मा, राशिद खान के साथ लगाओ ये डैनियल सैम्स, ये लॉगी फर्गसन के साथ लगाओ अपना तिलक वर्मा, मोहम्मद शमी के साथ लगाओ तिलक वर्मा, और पी स्वग्नन के साथ लगाओ सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल के साथ लगाओ यहाँ से लॉगी फर्गसन, मतलब लॉगी फर्गसन के साथ शुभमन गिल, पी स्वग्नन के साथ शुभमन गिल, और मोहम्मद शमी के साथ तो शुभमन गिल मैंने बता दिया, और रिद्धिमान शाह के साथ लॉगी फर्गसन, मोहम्मद शमी के साथ रिद्धिमान शाह, थोड़ा ऐसा कुछ कम्बिनेशन रेडी होने वाला है, जो कि आपको फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा,
तो फटाफट जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो अगर आपको भी फाइनल टीम चाहिए। तो चलो गाइस तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, जाने से पहले एक चीज़ बोलूँगा ज़रूर, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर देना। तो चलो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर।